हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है, जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है, ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह सुबहाना व ताला के नज़दीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखे अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक, इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस अक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुबहाना व ताला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1,000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे USA में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए, फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है, उसके बावजूद इस किशनगंज मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन MLA साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है, और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके
अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकाम आते उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, और इसका मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे, ने हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज़ ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज़ आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे। तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आम तौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते, इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरख्वास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूँ आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो, यहाँ सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप, 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना, ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।